300 रुपए आप नहीं देंगे तो आपके बेटे की एक साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। अफसोस है बेटा कि अगर मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर सका तो तुम्हारे एक साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो सुनो, खैर जब ये बात है तो सुन मेरे नूरे नजर, और कर्ज ला करके पढ़ाऊं बात में मैं उम्र भर, और मिट्टी है बेटा, इतनी बड़ी दुनिया है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं पढ़ूं तो चाहे कर्ज लाना पड़े लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। चलो, तुम्हारे जाने के लिए हम इंतजाम करते हैं। लेकिन पिताजी देर हो रही है, देर हो रही है। इंतजाम करके मुझे दीजिए और एक महीने के अंदर अंदर मैं परीक्षा देकर के फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। ठीक है, घबराओ नहीं बेटा। और सुनो, कि देर होगी है करके और तुम्हें जल्दी नहीं ट्रेन छूट जाएगी, और भेजूंगा ट्रेन का समय हो गया है तो चलो हम किराए का पैसा दे देते हैं। 10 रुपया हमारे जेब में पड़ा है, किराया ले लीजिए और हम मनी ऑर्डर द्वारा पैसा आपके पास भेजेंगे। परीक्षा के लिए जाइए, आओ मेरे साथ। भेज दिया लेकिन कहां जाऊं, किससे कर्जा मांगूं? खैर चलता हूं, देखता हूं, कोई ना कोई तो जरूर देगा। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदली नसीबी न दे, देने गरीबी न दे। अभी तक मेरे सरदार जी नहीं आए हुए हैं, चलो बैठ कर हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं उनका। आओ, चलिए। अभी सरदार नहीं भी आने हैं। हाँ, अभी आए हुए नहीं है, अभी आए नहीं है, बेवकूफ कहीं के आए नहीं। आए।
का चल रहा है। इस समय आपके इस चंबल घाटी का समाचार बहुत अच्छा खासा चल रहा है सरदार। बहुत अच्छा मेरे साथियों, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन शोहरा है मेरे नाम को, शोहरा है मेरे नाम को, सारे जहान में आप पीरों के छक्के छूटते हैं या शोहर चुके नाम। शहर तो आंखें निकाल लू और धरती का सीना फाड़ कर और पानी निकाल। लेकिन साथियों, आज हम लोग डकैती डालने जाना है, लेकिन डकैती डालने से पहले ला मेरे हाथों में दे, ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने दे फिर बातें करना काम की। नहीं होना चाहिए सरदार। आए बम बहादुर, क्या एक रंगीन की बोतल लेकर आ? रंगीन की बोतल आपके खिदमत में जा रहे हैं। क्या फौरन लेकर आ? साथियों, आठ डकैती डालने हम लोगों को चल रहा है। जो पहाड़ापुर में जितनी दुकान है आज सब दुकान लूट लो, एक भी व्यापारी यहां से बचकर जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले वह नमक रखा है, एक उठाई दो। अबे साले, नमक की चोरी नहीं किया जाता है रे। चलो मिस्टर, क्या तुमसे कहा था बोतल लेकर आ यहाँ? ओ ठेकेदार, हमें शराब नहीं दे। चार कांधे चला जाओ तुम्हारे। हाँ, ये तू क्या कह रहा है रे? वहाँ गए ठेकेदारी से कहा हमें शराब दे दो, तो हमें शराब दी। क्या कहा था? शराब। हाँ, अबे शराब नहीं, शराब लेकर आ। दारू। हाँ, ये साला शराब मांगता है। ओ ठेकेदारी, क्या हुआ? हमें दारू दे दो। तो यही मेरे कहे नहीं कहा था? देखो पुलिस वाले यहाँ ज्यादा हैं, ऐसी चली आओ पिछोरवा पर हम नहीं लेंगे। तो पीछे तू ही चले आओ। सरदार, आपके खिदमत में ये बंदा लाया शराब है, और लीजिए पीजिए कीजिए पेशाब। अबे ये कौन सी बोतल लेकर आ गया रे? सौची दारू आई। सौची? सौची। हाँ हाँ। अबे सौची नहीं, सौफी बोलिए। हाँ हाँ, वही सौफी दारू। खोल इसको। खोली? हाँ। तू खोलो, तू बहुत खोलो है। हाँ। बहुत अच्छी शराब है। बहुत अच्छा। पहले चढ़ा दो। ये मैं थोड़े कम रहा तो हम अपने लगे से कपड़े नहीं। अबे तू कहाँ रखे ना थे? बिल्कुल गर्म ही गर्म। गट्टा सिंह, इसके ऊपर ये झाटू है कि पूरा भालू है? तुम झाटू, तुम झाटू डाकू, हमें तो पूरा और जो पीता रहे
बहुत अच्छी शराब थी। अब कहीं डाले साला बीच में बात और धमकी दे रहा है। जबर जबर बोल रहा आप बहादुर सौ ग्राम बता साले को उठा इनका बुढ़ाओ कहीं पे मार डाल अब तुम मार डाल तुम्हार मौत लेकिन दिमाग तो ठीक है या नहीं दिमाग ठीक साथियों ये कह रहा है कि बालेपन से खिलाया पिलाया है मैं ये बुढ़ा खिलाया पिलाया है मैं और बार बार मोहन मोहन कह रहा है बुढ़े तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी पकवास सुन रहा हो अगर तुम्हारे जगह कोई नौजवान होता तो उसे अभी दुनिया से दूर कर देता लेकिन तुझ पर रहम खा रहा हूं कौन मोहन तेरा कहा रहता है अरे सोहन सिंह के सामने जरा सा डर नहीं खा रहा है। इनके नाम है सोहन सिंह झाटू झाटू डाकू 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 ये मोहन नहीं है चरण चूमता मैं आपका
बड़ी गलती हुई, लेकिन न पहचानने का कारण है क्या कि हुआ अनजान में अपराध है सरदार सोहल हमारे बेटे देखने में भी कम दिखाई देता है। अच्छा, हमने समझा हमारा बेटा मोहन है तो एक चमसा खरीद ले। हाँ हाँ, चश्मा चश्मा लगता नहीं है, पावर वाला बनवाने में ज्यादा पैसा लगता है भैया, पैसे हैं नहीं। गरीब हो, गरीब हो, सब काकरे पैदा हुई। ओ भैया, ये दुनिया है, गरीब अमीर सभी लोग पैदा हो। अरे पैदा हो रे, पैदा हो, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग पैदा होते हैं। मुसीबत मुसीबत के मारा है तो मुसीबत के चना उखा के अनुसार इंसान हुआ, चना उखा लिया होगा तो मुसीबत तुम्हें इसे नहीं मारी नहीं, उनके चना उखा रहे हुई हो तो तुम्हें मारी नहीं। अरे चना नहीं उखा रहा है, अरे गरीबी भैया, मुसीबत नहीं गरीबी समझो। लेकिन पहले झारा नहीं, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हमें किसी ने पता नहीं दिया, हमारे बेटे मोहन की परीक्षा इस साल में कानपुर सेंटर पड़ गया। अच्छा, 300 रुपया खर्चा लगना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, लड़के को भेज दिया कि तुम जाओ, हम कहीं से कर्ज ला करके मनी ऑर्डर द्वारा भेज देंगे। उसी पैसे के तलाश में भैया घूमते घूमते यहाँ आ गया। ये बात, पैसे की तलाश में आए हो, यहाँ आया तो हमें हमारी नजरों से यही दिखाई दिया कि बेटा मोहन ही है। हमने समझा कि हमको बेवकूफ बनाया, कानपुर का बहाना करके यहाँ ये सब कर रहा है। आ गया भैया, मार दिया। साथियों, ये बुड्ढे की कोई गलती नहीं है, ये धोखे से आ गया और अपने बेटे मोहन को समझकर हमारे ऊपर इसने हाथ उठाया, इसलिए इसकी गलती क्षमा कर दो। और सुनो हमारी बात, पैसे मिले कहीं नहीं, नहीं मिले, कितने पैसे चाहिए? 300 रुपए। चल दे थे हुआ लूटे लाके, मेरे पैसे ले जाओ। और ये 300 नहीं है, ज्यादा है, और ये पैसा तुमसे वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैं अमीरों को लूटता हूँ और गरीबों का मदद करता हूँ, इसलिए सुन हमारी बात। और कभी भी भूल करो ना ऐसी और गलती करना आई। परीक्षा
पैसे भिजवाइए, परीक्षा में सफल हो और ये पैसे तुमसे लिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात की ध्यान रखना, यह का पता किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। यका पैसा ना दियो। अरे कौन कहे कि आप डाकू हो, आप तो गरीबों की मदद करने वाले हो। बगले पुलिस चौकी है, इलाके बताएगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। नमस्कार, नमस्कार, साथियों। जी सरदार, ये बुड्ढा तो आकर पूरा मूड खराब कर दिया। अब हम लोग अरेस्ट करेंगे, अब आठ डकैती डालने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है सरदार जी। हाँ, अब हम लोग चलते हैं और आराम करेंगे, कल देखा जाएगा। ठीक है, चलो भाव ना बोतल। अरे ये मऊहा है अंगूरी, इसको पीना बहुत जरूरी। बिन पिए चैन ना आए और पीने वाला खूब पिए, चाहे लुटिया तक बिक जाए। ये मऊहा है अंगूरी। देखो, वो सेनापत हरामजादा जेल से फरार हो गया था। हाँ। चलो उसकी तलाश करो और जहाँ कहीं भी मिल जाए उसको जान से खत्म कर दिया जाए। हरामजादे साले को मारते मारते डांड मारेंगे। क्या डांड मारोगे? अरे मार दिया जाएगा उसको। चलो तरह से बेटे मोहन को रुपया भेजना चाहिए उनके पास, नहीं तो परीक्षा भी छूट जाएगी बेटे की। चलो तुमको जिंदा छोड़ूंगा नहीं हरामजादे। मारी अका मारी, मारो 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 मारो, निपुर जाई।
गया था। क्या रे? वारे हम वाह। कटोरी लाल, कटोरी लाल, हम देखा, हम मार डाले नहीं का। तुमने मार दिया है, चलो मर जाना चाहिए, कोई भी मार दे, चल। जरा ध्यान देकर सुनो,